सौरभ एक नंबर पे कॉल करो तो, एक नंबर पे कॉल करो ना। कहाँ कर रहे तुम? ओ अच्छा ठीक है। सारे लोग जल्दी से कनेक्ट होइए। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बढ़िया है जी। तो जल्दी से तुम लोग ज्वाइन करो सारे लोग। फर्स्ट चैप्टर तो हो चुका है ना निशा, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर देखना हम लोग को ना। अच्छा फर्स्ट चैप्टर आप लोग का हाफ हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका एक लेक्चर हो चुका है ना।
चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे फ्लावर का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए थे कि फ्लावर का कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। हम लोग फ्लावर में मेनली फोर होल्स के बारे में बात किए थे। जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर था उसको हम लोग बोल रहे थे सेपल। फिर उसके बाद जो सेपल्स के बाद जो इनर साइड के साइड स्ट्रक्चर था उसको हम लोग बोल रहे थे पेटल्स। और क्या था हमारा स्टेमेन और कार्पल, ये सब सारे स्ट्रक्चर की बात किए थे। तो ये चार स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में। अगर फ्लावर कंप्लीट है तो कंप्लीट फ्लावर अगर है तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे बाबू? सेपल और क्या होंगे? पेटल, मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन और फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पल प्रेजेंट होगा। ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अगर ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं तो वैसे फ्लावर को हम लोग कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक पार्ट मिसिंग है, मतलब किसी फ्लावर में सेपल पेटल और सिर्फ स्टेमिन है, कार्पल एबसेंट है, तो वैसे फ्लावर को बोलते हैं बाबू इनकम्प्लीट फ्लावर। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर। या फिर सेपल पेटल और सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है, यानी फ्लावर में सिर्फ या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, वैसे फ्लावर को बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर। और जिनमें चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर, ठीक है ना। चलो तो ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इसके बाद एक वर्ड आता है कैलिक्स कोरोला। तो देखिए कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, इसको समझिए, ज्यादा का अंतर नहीं है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कैलिक्स, सेपल वाले पार्ट को ही कब बोलेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोरोला, कोरोला और स्टेमेन वाले पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम, A-N-D-R-O-E-C-I-U-M, एंड्रोसियम। और कार्पल वाले पार्ट को बोलेंगे गाइनोसियम, गाइनोसियम। देखो कोई भी जो फ्लावर होता है बाबू ना, उसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है, जो सेपल होता है, वो सिर्फ एक प्रेजेंट नहीं होता है, उसके सिर्फ एक ही सेपल प्रेजेंट नहीं होंगे। सेपल्स क्या होते हैं? ग्रुप में होते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। तो फिर सेपल किसको बोलेंगे सर? यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। कैलिक्स का एक पार्ट उसको हम लोग बोलेंगे सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाएंगे? कैलिक्स। समझ में आ रहा है? उसी हिसाब से पेटल को भी ऐसे ही बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज कोरोला और यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंड्रोसियम, जो क्या है बाबू? मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन। और जो कार्पल है, ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोसियम, और ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अगर देखा जाए फ्लावर में जो चार स्ट्रक्चर हैं, इसमें से दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं विच इज नोन एज कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है, डायरेक्टली रूप से, इनडायरेक्टली रूप से कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली रूप से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेसरी होल्ड। समझ में आ रहा है? और जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम, ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या करेंगे? ये मेल गैमेट्स को बनाएगा एंड्रोसियम, और जो कार्पल है वो फीमेल गैमेट्स को बनाएगा, ये स्ट्रक्चर। तो ये जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या है बाबू? एसेंशियल होल। क्या है जी? एसेंशियल होल। चलो ये समझ में आ गया, इसको एसेसरी क्यों बोलते हैं, एसेंशियल और इसको एसेंशियल क्यों बोलते हैं। चलो जल्दी से रिप्लाई दो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो दोबारा इसको रिपीट करेंगे। जल्दी से रिप्लाई दीजिए।
चलिए निखिल एक बार फिर से बोल रहे हो ना, तो देखो हम बोल रहे हैं बाबू, एक जो फ्लावर होता है, फ्लावर जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होता है, चार होल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पल। ये स्ट्रक्चर तो कल ही बता चुके थे, ठीक है। अभी जब बता चुके थे तो यहाँ पे एक और दो वर्ड आ गया है, दो तीन वर्ड क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम और गाइनूसियम। तो क्या अंतर है, हम लोग कब सेपल वर्ड यूज करेंगे, कब कैलिक्स वर्ड यूज करेंगे, दोनों सेम चीज है। हम लोग सबसे आउटर होल को भी कैलिक्स भी बोल सकते हैं और सेपल भी बोल सकते हैं, लेकिन बात आती है कि सर सेपल वर्ड कब यूज किया जाएगा और कैलिक्स कब यूज किया जाएगा। देखो जो बर्ड स्टेज में ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम लोग सेपल बोल रहे थे, लेकिन जो सेपल होता है वो एक सेपल प्रेजेंट नहीं होता है, उसका नंबर सिर्फ एक नहीं होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं बाबू, उसको बोलते हैं कैलिक्स, और जो ग्रुप ऑफ पेटल्स होते हैं उसको कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टेमेन एंड्रोसियम, और ग्रुप ऑफ कार्पल गाइनोसियम। अब बात आई एसेसरी होल और एसेंशियल होल। एसेसरी होल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एसेसरी पार्ट है, फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसका काम है रिप्रोडक्शन करना, लेकिन सेपल और पेटल जो है वो रिप्रोडक्शन में कोई वैसा भूमिका को नहीं निभा रहे हैं डायरेक्टली रूप से, इनडायरेक्टली निभा रहे हैं। क्या निभा रहे हैं, पेटल जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है किसको बाबू, इंसेक्ट्स को। जब इंसेक्ट्स ही नहीं आएंगे, जब अट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो फ्लावर में पॉलिनेशन का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको हम लोग एसेसरी होल बोलते हैं। इसको हम लोग एसेंशियल क्यों बोलते हैं, एसेंशियल का मतलब जरूरी का चीज। बताओ अगर फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उनमें क्या गैमिट्स बनेगा, नहीं बनेगा। और जब गैमिट्स नहीं बनेगा तो क्या रिप्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो स्टेमेन कार्पल है यानी एंड्रोसियम गाइनोसियम जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका जी, फ्लावर का, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एसेंशियल होल। गेटिंग अ पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाबू, दो वर्ड है जो आप लोग को डीपीपी तैयार हुआ है उसमें इससे क्वेश्चन आएगा, जो हम जो पढ़ाए उससे भी आएगा और जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देख लो, मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक प्लांट। देखो यहाँ पे मोनो का मतलब वन होता है, एक होता है, तो मोनोकार्पिक प्लांट किसको कहते हैं। देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग उनमें होता है, उनके पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार क्या होगा, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। तो ऐसे प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग take place one time in life span। देखो लाइफ स्पैन हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ स्पैन किसको कहते हैं। तो वैसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पूरे लाइफ में एक ही बार होगा, यानी वो फ्लावर और फ्रूट देंगे और उसके कुछ समय के बाद, या फिर लंबे समय तक भी जी सकते हैं, कोई बड़ी इशू नहीं है ये, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा। सपोज दैट ये प्लांट है, चलो बनाना मान लेते हैं, बनाना ये, हाँ कौन आंसर दे, निखिल मेज राइस मस्टर्ड, चलो हाँ ये सही है। बनाना की बात करते हैं तो बनाना में जो होता है बाबू, एक बार फ्लावरिंग और एक बार फ्रूटिंग होता है। ये क्या हुआ, फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग हो गया, और ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग के बाद जैसे ये फल हटता है उसके कुछ समय के बाद ये क्या होता है, प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ में आ रहा है, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मोनोकार्पिक प्लांट। ओके चलो अब नेक्स्ट है बाबू पॉलीकार्पिक प्लांट। तो पॉलीकार्पिक प्लांट को देखो, हाँ इसका एग्जाम्पल तुम लोग ध्यान में रख लेना ना, एग्जाम्पल में बहुत सारे हो जाएंगे, मस्टर्ड हो जाएंगे, बनाना हो गया, बंबू हो गया, ये सब ऐसे प्लांट है जो क्या कहते हैं, मैंगो, हेमारानी। ये मैंगो कैसे होगा मोनोकार्पिक प्लांट बाबू, मैंगो, मैंगो तो पॉलीकार्पिक है ना,
वो क्या लाइफ में एक ही बार फलता है क्या? हाँ चलो पॉलीकार्पिक है, ठीक है चलो। नेक्स्ट है बाबू पॉलीकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टी, यानी एक बार से ज्यादा, मोर देन वंस। जब इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग क्या होगा? एक बार से ज्यादा हो, मीन्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस मेनी टाइम्स। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस मेनी टाइम्स इन इंटायर लाइफ स्पैन, यानी अपने पूरे जीवन में एक बार से ज्यादा क्या करे? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को शो करे। वैसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? पॉलीकार्पिक प्लांट। जो डीपीपी है उसमें इसे क्वेश्चन दिए हैं कि पॉलीकार्पिक किसको कहते हैं, यानी पॉलीकार्पिक का एग्जांपल पूछा गया है और मोनोकार्पिक का, तो ध्यान में रखिएगा और उसको बना लीजिएगा, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। चलिए ये स्ट्रक्चर तो हो गया मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। अब हम लोग आते हैं, देखो जितने लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो ना, तो उसमें हम लोग रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर चुके थे, और वो जो चैप्टर था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है एग्जाम में उसको नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन वो बेसिक है, बने या ना बने ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सारा चीज बेसिक है और फर्स्ट चैप्टर का कुछ कुछ चीज यहाँ भी रिकॉल होगा, तो देखते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें तीन इवेंट था, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, कौन कौन से इवेंट थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? पहला क्या था बाबू? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक था, जो नेक्स्ट इवेंट था बाबू, वो था फर्टिलाइजेशन। चलो उसके बाद फाइनली क्या था? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये तीनों इवेंट जो होते हैं बाबू वो केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो हम लोग यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम लोग एक चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हर चीज का क्या होता है? एक सीरीज होता है, आप उसको सीरीज तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आसानी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन इवेंट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला जो इवेंट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आप लोग को ये भी बता चुके हैं कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सा स्टेप होता है। तो देखा जाए तो सबसे पहले तो ये जानो कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, वो क्या कहलाता है बाबू? फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा वो कब होगा? जब हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे तब, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है, अगर वो मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो जो गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो कौन से इवेंट्स में आते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें पहला क्या होगा बाबू? गैमेटोजेनेसिस। इसके बाद जब गैमिट्स बन जाएंगे, जैसा कि श्रेया श्रीवास्तव बोल रहे हैं, इसके बाद होगा गैमिट ट्रांसफर, यानी जब गैमिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा जी? गैमिट ट्रांसफर, गैमिट ट्रांसफर, ट्रांसफर, ये दोनों इवेंट्स। तो अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, किसका बाबू? प्लांट का। कौन से प्लांट का? फ्लावरिंग प्लांट का। इसमें भी क्या होगा? गैमिटोजेनेसिस होगा। अब गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेट्स अलग बनेंगे, फीमेल गैमेट्स अलग बनेंगे। मेल गैमेट्स कहाँ पे बनेंगे? मेल सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। फीमेल गैमेट्स कहाँ पे बनेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन में बनेंगे। अब बात आती है, क्या ये जो दोनों गैमेट्स हैं, दोनों क्या एक जगह बनेंगे, एक ही स्ट्रक्चर में बनेंगे? मे बी, हो सकता है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों बनेगा। कैसे? जो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे उसमें मेल गैमेट्स, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उसमें फीमेल गैमेट्स। वो डिपेंड करता है फ्लावर पे, किस टाइप का फ्लावर है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। हेडिंग हमारा होगा प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बाबू? स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ये सब सारा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेल गैमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेल गैमिट्स जानने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जो मेल गैमिट्स मेल सेक्स ऑर्गन में बन रहे थे वो मेल सेक्स ऑर्गन होता कैसा है। यानी सबसे पहले हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन का स्टडी करेंगे। और आप लोग सबको पता है जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन। क्या बोलते हैं जी, स्टेमेन। और ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंड्रूसियम, हम ये चीज बता चुके हैं, ठीक है। एंड यूनिट ऑफ एंड्रूसियम इज नोन एज स्टेमेन, ये भी सारा सेम चीज है, बस थोड़ा सा सेंटेंस में चेंजिंग है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, स्टेमेन देख लेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, किसको बोलेंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। स्टेमेन देखेंगे, स्टेमेन के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन, क्या पढ़ेंगे जी, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में मेल गैमिट्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे। और याद रखिएगा पॉलन ग्रेन के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्पोर, जो कि आगे डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, उसी हिसाब से जब ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन पढ़ेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गैमिट्स की बात करेंगे। जब ये दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना तो हमारा गैमिटोजेनेसिस कंप्लीट, और जब गैमिटोजेनेसिस कंप्लीट होगा तो क्या चीज की बारी आएगी, गैमिट ट्रांसफर की, जो कि कैसे होता है, पॉलिनेशन के थ्रू। गेटिंग अ पॉइंट, चलिए तो हम लोग देखते हैं स्टेमेन का। तो सबसे पहले स्टेमेन क्या है जी, मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो कि फ्लावर में होगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमेन जो होता है वो क्या कहलाता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये भी बता चुके हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो स्टेमेन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो देखिए जो फ्लावर का थैलेमस था, अगर आप लोगों को याद होगा ऐसा स्ट्रक्चर था, सपोज दिस इज सेपल, ये क्या है जी, सेपल, जो फिंगर है वो सेपल है, और ये जो है बाबू पेडिकल, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज थैलेमस। थैलेमस से अटैच क्या था बाबू, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। सपोज दैट ये जो पेन है बाबू, इससे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टेमेन। तो स्टेमेन में जो एक लॉन्ग थिन फिला स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि पतला होता है, जिसका एक एंड कहां से अटैच होता है बाबू, थैलेमस से, और दूसरा एंड एक स्वेलिन एरिया होता है विच इज नोन एज एंथर। तो हम लोग देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे अटैच रहेगा, ठीक है। तो ये जो थिन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर यानी थिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फिलामेंट, क्या कहलाता है जी, फिलामेंट। और जो एंडिंग पे एक स्वेलिन एरिया अटैच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बाबू एंथर, एंथर। समझ में आ रहा है, चलो ये दोनों स्ट्रक्चर तो कॉमन है, 8-9 में भी इसको बताया जा चुका है, लेकिन 11th में क्वेश्चन ए आता है नीट में कि वो कौन सा पार्ट है जिससे फिलामेंट और एंथर आपस में अटैच होते हैं, यानी एंथर का वो कौन सा पार्ट है जिससे फिलामेंट अटैच होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग को एंथर को क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। तो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, इसका बैक साइड जो होता है इस टाइप से होता है, देखो हाँ निखिल का आंसर आ रहा है, कनेक्टिव, जो यहां से अटैच होता है। तो ये जो छोटा सा पार्ट है जो हम यहां पे इसको पूरी तरह से कलर कर दे रहे हैं ब्लैक इस पार्ट, दिस इज नोन एज कनेक्टिव, दिस इज नोन एज कनेक्टिव। तो चलो ये सारा चीज आई थिंक हमको लगता है बता चुके हैं, फिर भी ये रिपीट हो रहा है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में है इसलिए। चलो देखो ये जो थिन स्ट्रक्चर होगा फिलामेंट, जो फुला हुआ पार्ट होगा एक एंडिंग पे, उसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और जिससे अटैच रहता है वो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कनेक्टिव। ये तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और आपको तीनों स्ट्रक्चर को याद रखना होगा, तीनों स्ट्रक्चर को, और मे बी डीपीपी में ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो
इसको याद रखिएगा। हाँ, और फिलामेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं बाबू? स्टार्क। कोई दिक्कत यहां तक? चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको रब करें। अब हम लोग देखते हैं, जो अगर देखा जाए ना तो ये जो स्टेमेन है, स्टेमेन का तीन पार्ट कौन कौन? एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया और कनेक्टिव हो गया। कनेक्टिव एक अटैचमेंट है, लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है स्टेमेन का वो कौन सा पार्ट है बताओ? मेन पार्ट ऑफ स्टेमेन कौन है जी? मेन पार्ट ऑफ स्टेमेन, चलिए आप ही लोग से क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मेन मेन पार्ट ऑफ स्टेमेन, जल्दी से। हाँ, एंथर। चलो आंसर आ गया, एंथर। मेन पार्ट ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंथर। अब बात आती है सर, इसको मेन पार्ट क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं जी मेन पार्ट? बिकॉज जो मेल गैमेट्स हैं बाबू, हमको सेक्स ऑर्गन का क्या काम है? मेनली सेक्स ऑर्गन का काम यह है बाबू कि वो गैमेट्स बनाएगा, और ये मेल सेक्स ऑर्गन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए क्योंकि इसमें जो गैमेट्स हैं, जो मेल गैमेट्स हैं, जो हाँ पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे बनेगा बाबू? एंथर में। तो बताओ कोई ऐसा प्लांट है जिसमें स्टाल्क प्रेजेंट है और एंथर है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं होता उसका। फिलामेंट प्रेजेंट है, एंथर है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, फिलामेंट रहे या ना रहे, हमको एंथर चाहिए। मींस इसलिए ये क्या हो जाता है, एंथर इज द मेन पार्ट ऑफ स्टेमेन। तो ये मेन पार्ट हो जाता है, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो हम एंथर का स्ट्रक्चर बनाए थे वो इस टाइप का था, ऐसा स्ट्रक्चर था। तो जो एंथर होता है, जिस प्लांट की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, देखो बायोलॉजी में जो हम लोग बात करते हैं, हम बहुत बार बता चुके हैं, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, नॉर्मली कॉमनली एंड जनरली, कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कॉमनली क्या होता है, जनरली क्या होता है, ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन तो दुनिया भर का पड़ा हुआ है। तो जो मोस्ट ऑफ दी जो एंथर होते हैं, जो हम लोग एंजियोस्पर्म में देखते हैं, वो कितना लोब होता है बाबू? बाइलोब। बाइलोब कहने का मतलब दिस इज फर्स्ट लोब एंड दिस इज सेकेंड लोब। तो हमारे जो एंथर होते हैं बाबू वो होते हैं बाइलोब, मींस दो लोब प्रेजेंट होंगे, टू लोब, तो बाइलोब होते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक बन सकता है, एंथर कैसा होता है, मोनोलोब, बाइलोब, टेट्रालोब या मल्टीलोब? तो आंसर जाएगा बाइलोब। कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है बाबू, मोनोलोब भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट में क्या होंगे, बाइलोब। चलो हम लोग आगे देखते हैं ये स्ट्रक्चर। देखो हम लोग एंथर का जो स्टडी है दो तरह से करते हैं, दो स्टेज में करते हैं। कौन कौन सा? एक जब एंथर डेवलपिंग कंडीशन में हो, तब, मतलब अभी पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं हुआ है, और दूसरा जब एंथर मैच्योर हो गया है तो दोनों स्टडी, दोनों स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं, सपोज दैट ये जो एंथर है वो डेवलपिंग कंडीशन में है, मतलब अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, अभी डेवलप हो रहा है, तब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बाबू, विच इज नोन एज, जो इसको हम लोग बोलते हैं पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर, चैम्बर का मतलब एक क्या है, एक क्लोज एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पोलन सैक। सैक का मतलब थैला लाइक स्ट्रक्चर। और एक और वर्ड यूज करते हैं थीका, थीका, TH-E-C-A, थीका। तो तीनों वर्ड यूज करते हैं। तो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है, हाँ फोर सैक होगा, वेरी गुड। तो देखिए जो स्ट्रक्चर होता है, तो एक लोब में कितना थीका प्रेजेंट होता है, दो थीका, एक लोब में दो थीका, तो दो लोब में कितना थीका, चार थीका हो जाएगा। तो जो डेवलपिंग एंथर होता है वो कैसा होता है बाबू, डाइथिकस, डाइथिकस। अब बात आती है डाइथिकस, जो वर्ड यूज किया गया है वो पूरे एंथर के लिए नहीं यूज किया गया, एक लोब के लिए यूज किया गया है। अगर तुम डेवलपिंग एंथर, सॉरी डेवलप्ड एंथर को देखोगे तो वो भी डाइथिकस होंगे, लेकिन वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर देखा जाए ये जो स्ट्रक्चर है, तो दोनों लोब में हमारे पास कितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, चार। तो जो डेवलपिंग एंथर होता है वो क्या होते हैं बाबू, डाइथिकस होंगे,
और क्या होंगे बाबू? टेट्रा स्पोरेंजिएट, टी टी आर ए, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखिए एंथर कैसा होगा? बाइलोब। इसके अंदर का चैम्बर जो होगा उसको बोलेंगे पॉलेन चैम्बर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के अंदर पॉलेन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है? ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो एक लोब में दो थीका डाइथीकस की बात कर रहे हैं और हमारा टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन जब यही एंथर पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा, पूरी तरह मैच्योर इन द सेंस कि पूरी तरह से जो बनना था इनमें, जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना था, डेवलपमेंट होना था, वो हो गया, तो क्या होता है? देखो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, सपोज दैट दिस इज पोलन सैक। पोलन सैक जब डेवलप होगा और फाइनली आपस में क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कंडीशन में देखो दो थीका प्रेजेंट है, और जब दोनों थीका आपस में जब बड़े हुए डेवलप होने लगे तो आपस में मर्ज कर गए, तो कितना प्रेजेंट हुआ? सिर्फ एक ही चैम्बर देखने को मिलेगा। तो जो डेवलप एंथर होते हैं उनमें जो दोनों थीका होता है बाबू आपस में मर्ज हो जाता है, ये यहां पे मर्ज हो जाएगा और ये जो है बाबू यहां पे मर्ज हो जाएगा। तो अगर डेवलप एंथर को तुम टीएस करोगे यानी ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो सिर्फ एक चैम्बर सॉरी एक लोब में आपको एक ही थीका देखने को मिलेगा। तो पूरी तरह से एंथर कैसा हो जाएगा? दो लोब दो थीका यानी डाइथीकस। बात को समझ रहे हो? बोलो या कंफ्यूजन हो रहा है? बोलिए रिस्पॉन्स दीजिए, सॉरी बोलिए नहीं रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी? चलिए अब हम लोग देखते हैं बाबू, ये तो जो प्लांट है ना, जब एंथर मैच्योर कहने का मतलब क्या हो रहा है? देखो एंथर जो था इसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहा था, और ये पोलन ग्रेन का पर्पस ये नहीं था कि बन करके सज धज के यहां बैठना है। इसका काम क्या था? जब ये पूरी तरह बन जाएगा तो ये वहां जाएगा कहां पे? जहां इसका जरूरत है। और इसका जरूरत कहां पे है? इसके अंदर मेल गैमेट्स है और इसका जरूरत है फीमेल गैमेट्स के पास, मींस ट्रांसफर होगा। लेकिन इसको ट्रांसफर होने के लिए इसको क्या चाहिए? खुला गेट चाहिए, मतलब इसको आजादी चाहिए। लेकिन ये तो आजाद नहीं है क्योंकि एंथर क्या है? क्लोज स्ट्रक्चर है। जब तक एंथर फटेगा नहीं, ब्रस्ट नहीं होगा, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब ब्रस्टिंग, डिस्टेंस ऑफ एंथर। तो जो एंथर फट जाता है, जब एंथर का डिस्टेंस होता है, उस समय आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कैसा दिखेगा बाबू? माना जाता है कि जो एंथर का डिस्टेंस हुआ है यानी जो एंथर का ब्रस्टिंग हुआ है उस समय तक पूरी तरह से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी एंथर पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है। बताओ जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक क्यों फटेगा? कोई मतलब ही नहीं होता है उसका। जब पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका ब्रस्टिंग होगा और यहां से पोलन ग्रेन क्या होंगे बाबू? रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। तो पोलन ग्रेन तो पोलन ग्रेन को अभी रिलीज नहीं होने देंगे क्योंकि अभी तक हम लोग ये जाने ही नहीं है कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ये छोड़ो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, अभी तक हम लोग ये नहीं जाने हैं कि ये जो एंथर का जो स्ट्रक्चर है इसमें कौन कौन से लेयर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एंथर का क्या करेंगे? टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, और ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कितना लेयर होता है, उसके बाद उसका मतलब सीक्वेंस क्या होता है, सबसे आउटर लेयर कौन है, सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन है, और इसमें पोलन जो सैक होते हैं वो कैसे होते हैं, सब सारा चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज ये जान लीजिए, जो एंथर होता है बाबू बाइलोब्ड तो होता ही है और डाइथीकस भी होता है, ये बता चुके हैं। लेकिन कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं लाइक अ मोरिंगो एंड वोल्फिया, मोरिंगो एंड वोल्फिया, ये दो ऐसे प्लांट है बाबू जिनका जो एंथर होता है वो कैसा होता है बाबू? बताओ, मोनोथीकस। कैसा होगा? मोनोथीकस, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? इसका एंथर क्या होगा? मोनोथीकस। और एक मालवेसी जो ग्रुप है प्लांट का उसमें भी जो एंथर होते हैं बाबू मोनोथीकस होते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है? अगर दिक्कत है तो वापस पूछ लीजिए, ऐसे चांस तो कम है दिक्कत का। चलो अब हम लोग देखते हैं टीएस लेते हैं एंथर का ना, इसको हम रफ कर रहे हैं।
चलो तुम लोग को डीपीपी मिल गया, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और एंथर के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज किए थे बाबू, क्या चीज़? माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं, तो याद रखिएगा। हाँ एक चीज और याद रखना, हम एक चीज ऐसी नहीं बताए हैं कि जो स्टेमेन था ना, देखो उसी समय बताना था, स्टेमेन 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 के लिए हम लोग दूसरा वर्ड कौन सा यूज करते हैं? माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, याद रखिएगा ना कि यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना ना कि माइक्रो स्पोरोफिल एंथर को बोल देना और स्टेमेन को माइक्रो स्पोरेंजियम बोल देना, थोड़ा सा यहाँ पे याद करने की जरूरत है। स्टेमेन इज नोन एज माइक्रो स्पोरोफिल और एंथर को उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम, ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो तो हम लोग क्या देखने वाले हैं माइक्रो स्पोरेंजियम का, क्या बाबू? टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, उसके स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, यानी एंथर की बात करने वाले हैं, जो कि मेन पार्ट ऑफ क्या है? स्टेमेन, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। जो हम लोग इसको टीएस लेते हैं तो हम लोग को सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर पिछले क्लास में बनाए थे, प्रॉपर दिख रहा है ना सबको? चलो ये स्ट्रक्चर है ना, तो देखो जब हम लोग इसका टीएस लिए हैं तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जिसमें दो लोब दिख रहा है। अब ये जो लोब दिख रहा है तो कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज दैट हम लोग मार्कर को ही क्या करते हैं? कट करते हैं, और कट करने के बाद इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, तो जो सबसे आउटर बाउंड्री है इसको बोल सकते हैं ना, सबसे आउटर लेयर है। तो एंथर में भी जो ये जो लाइनिंग है वो क्या है बाबू? आउटर लेयर है, सबसे आउटर स्ट्रक्चर है। और मेरा क्वेश्चन ये है, जो हमारा सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है वो क्या है बाबू? स्किन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन इन आवर बॉडी? चलो मेन फंक्शन है, लेकिन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्किन इन आवर बॉडी, बताओ जी? बोलो आंसर, आंसर दो। हाँ, टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को क्या करेगा जी? प्रोटेक्ट करेगा। सिर्फ निखिल है क्या? और तुम लोग भी जवाब दो जी। चलो तो ये जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है जी? एपिडर्मिस। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। देखो जो एपिडर्मिस है वो पूरे एंथर में रहेगा, ऐसा नहीं है कि किसी लिमिटेड जगह पे रहेगा, पूरी तरह से पूरे एंथर में रहेगा एपिडर्मिस। तो ऐसा बना दे रहे हैं, देखो एपिडर्मिस जो स्ट्रक्चर है बाबू, ये जो लेयर है ये कैसा होता है? सिंगल सेल्ड। पूरे एंथर में एक ही सेल का बना होगा, मतलब एक ही सेल प्रेजेंट होगा, चारों तरफ एक ही सेल से बना हुआ होगा, और ये थिक स्ट्रक्चर होता है। चलिए वन सेल्ड, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बाबू, थिक स्ट्रक्चर, थिक स्ट्रक्चर। अब तुम लोग जैसा कि बताए कि स्किन का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, तो जो इसमें जो ये है ये भी स्किन के जैसा काम कर रहा है, तो इसका भी क्या काम है? एंथर को प्रोटेक्ट करना। किससे बाबू? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से। तो ये जो एपिडर्मिस है इसको अगर हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एपिडर्मिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव लेयर, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है, और एक सेल का बना होता है, और सिंगल सिंगल सेल थिक होता है। मेन इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जब चलते हैं एपिडर्मिस को क्रॉस करते हैं तो एक और लेयर मिलता है,
वो लेयर को क्या बोलते हैं बाबू? इंडोथीसियम। क्या बोलते हैं जी? इंडोथीसियम। इंडोथीसियम। देखो ये जो इंडोथीसियम स्ट्रक्चर है इसको हम इधर बना रहे हैं, इंडोथीसियम। बताओ इंडोथीसियम का क्या काम है, बता सकते हो? कोई पढ़े हो? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोथीसियम इन एंथर? चलो क्या है जी इंडोथीसियम? ये भी ठीक होगा सर, बिल्कुल ये भी ठीक होगा। ये जो इंडोथीसियम लेयर होता है बाबू, ये भी क्या होता है? सिंगल सेल और ठीक बता रहे हैं इसको ना, ये भी सिंगल सेल, सिंगल सेल और क्या होता है बाबू? ठीक होता है। लेकिन देखना एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर है, जो मुड़ाव है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। ये जो यहाँ पे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है क्या बोलेंगे बाबू? स्टोमियम। स्टोमियम। स्टोमियम की जगह जो इंडोथीसियम होता है वो थोड़ा थिन होता है, थोड़ा सा थिन होता है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा थिन होता है। बाकी मोस्ट ऑफ दी जगह वो क्या रहेगा? थिक रहेगा और सिंगल सेल रहेगा। बात को समझना, स्टोमियम की जगह भी क्या होता है बाबू? ये जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल सेल ही होता है, लेकिन इसमें जो मटेरियल्स होते हैं उनका क्या, जो थिकनिंग होता है वो क्या होता है? हल्का कम होता है, वहां पे मटेरियल्स थोड़ा सा कम होता है, जिसके चलते जो इंडोथीसियम है स्टोमियम के जगह पे पतला होता है। बाकी पूरे एरिया में क्या होंगे, पूरे स्ट्रक्चर में थ्रू आउट मतलब एंथर क्या होंगे बाबू? ये थिक होंगे। तो ये इंडोथीसियम होता है और ये थिक होता है। और इसका जो काम की अगर बात करते हैं तो ये काम इसका क्या होगा? डिसेंस। यानी जो एंथर मैच्योर होगा, हाँ ब्रस्टिंग ऑफ एंथर सही है बाबू, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिसेंस ना। जब एंथर का जो ब्रस्टिंग होगा उस समय ये इंडोथीसियम काम करेगा। कैसे काम करेगा हम लोग आगे बात करेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडोथीसियम के चलते ही एंथर में ब्रस्टिंग होता है यानी डिसेंस होता है यानी वो फटता है, दूसरे फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे जैसे हम लोग लेयर में पहुंचेंगे ना, आउटर मोस्ट सेकेंड थर्ड लेयर में पहुंचेंगे, तैसे तैसे आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। तो आपको ये याद रखना है इंडोथीसियम जो है बाबू वो सिंगल सेल थिक होता है, सिंगल सेल होता है थिक होता है, और स्टोमियम की जगह पे हल्का पतला होता है। हेल्प किसमें करता है? डिसेंस ऑफ एंथर में। बात को समझे यहां तक? अब देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो एंथर है। आप लोग को याद होगा बीच में एक स्ट्रक्चर बनाए थे जिससे अगर स्टेमेन बना रहे थे तो वहां पे बताए थे कि एंथर और फिलामेंट जो आपस में अटैच होते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। तो हम लोग जब कट करेंगे ना तो एक कनेक्टिव भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो दिस पोर्शन इज नोन एज कनेक्टिव, दिस पोर्शन इज नोन एज कनेक्टिव। और अगर तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव, तो तुम लोग को बता चुके हैं कि ये क्या करेगा, सिर्फ अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। किसको? किसको? एंथर और फिलामेंट को। चलो अब ये स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये कोई लेयर नहीं है बाबू, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हम लोग एंथर को कट करते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात करेंगे थर्ड लेयर की। तो ये फर्स्ट लेयर हो गया ये बाबू, सेकेंड लेयर हो गया, थर्ड लेयर प्रेजेंट होगा। उससे पहले हम तुम लोग को ये बता चुके हैं कि जो हमारा एक लोब में कितना पॉलन सैक प्रेजेंट होता है, एक लोब में दो। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं पॉलन सैक, तो एक यहाँ पे बना रहे हैं बाबू, दिस इज पॉलन सैक एंड दिस इज पॉलन सैक, पॉलन सैक यहाँ बना दिए और दूसरा पॉलन सैक यहाँ पे बना रहे हैं। देखो ऐसे यहाँ पे होना नहीं चाहिए, इसको हम थोड़ा सा ऊपर बनाते तो चलता ना, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर हल्का रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ है तो फिर हम कनेक्टिव को यहाँ कर दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज कनेक्टिव। तो ये है बाबू पॉलन सैक।
यानी जब हम यहाँ चार बनाए हैं पोलन सैक, तो तुम लोग बोल सकते हो ये डेवलप्ड एंथर है या डेवलपिंग एंथर है, ये डेवलप हो चुका है या डेवलप हो रहा है, बताओ, वेट कर रहे हैं। हाँ डेवलपिंग है, मतलब अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योर में ये एक ही स्ट्रक्चर आपस में मर्ज कर जाएगा। वेरी गुड, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो ये पोलन सैक है, दिस इज पोलन सैक, पोलन सैक इज आल्सो नोन एज पोलन चैम्बर, पोलन चैम्बर इज आल्सो नोन एज थीका, तो हम सिर्फ पोलन सैक लेते हैं। अब हम लोग थर्ड लेयर की ओर बढ़ते हैं, जो थर्ड लेयर है बाबू उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर, क्या बोलते हैं जी, मिडिल लेयर, इसको भी ब्लैक से बना रहे हैं, मिडिल लेयर, जो थर्ड लेयर है उसको बोलेंगे मिडिल लेयर। देखो स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर इतना ज्यादा इसमें बाबू मिडिल लेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर का जो थिकनेस होता है, हाँ नोट्स मिल जाएगा सलमान, थोड़ा सा यहां पर देखिए बाबू, नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि एक बार समझ जाओगे तो दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, मिल जाएगा। देखिए मिडिल लेयर की बात करते हैं, मिडिल लेयर जो होता है ये कितना होता है बाबू, 1-3 सेल्ड थिक, 1-3 सेल्ड। मिडिल लेयर कुछ कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं, कुछ कुछ ऐसा जगह होता है जहां पे मिडिल लेयर सिर्फ सिंगल लेयर में, सिंगल सेल में प्रेजेंट होगा, और कुछ कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे मिडिल लेयर 3 सेल का बना होता है। तो अब बात आती है वो कौन सा जगह है सर जहां पे मिडिल लेयर सिर्फ एक ही सेल का रहता है, तो एस्टोमियम, एस्टोमियम की जगह मिडिल लेयर जो होता है सिर्फ सिंगल सेल्ड होता है, और रेस्ट ऑफ दी जगह में क्या होंगे, वो 3 सेल का बना होगा। तो हम तुमसे पूछते हैं इस एरिया को जो हम लोग कट करेंगे तो हम लोग को कितना सेल मिलेगा, एक तो हम लोग को मिलेगा बाबू इपिडर्मिस का, दूसरा मिलेगा एंडोथीसियम का, और 3 लेयर मिलेंगे बाबू हमको मिडिल लेयर के, ठीक है। तो इस एरिया को जब कट करेंगे तो इसमें हमको टोटल 4 लेयर मिलेंगे, 3 नहीं अंशिका, 3 कैसे मिलेगा बाबू, यहाँ पे 3 लेयर तो सिर्फ हम लोग को मिडिल लेयर का मिलेगा, मिडिल लेयर, और 2 इपिडर्मिस और इंडोथीसियम का होगा ना, तो 3 और 2 5, सॉरी हम भी गलत लिख रहे हैं, 5, कितने लेयर मिलेंगे बाबू इस एरिया में, 5 लेयर, 5 गलत है, 5 5, 3 लेयर मिडिल लेयर का, 3 सेल्ड मिडिल लेयर का, और 2 सेल इंडोथीसियम और इपिडर्मिस, तो टोटल 5 लेयर मिलेंगे। लेकिन जब हम लोग उसी को एस्टोमियम की जगह से कट करेंगे तो हमको कितना लेयर मिलेगा बताओ, 3, क्यों 3 मिलेगा, क्योंकि एक जो था बाबू इपिडर्मिस का था, दूसरा जो था इंडोथीसियम का, और तीसरा एक ही लेयर प्रेजेंट था हमारा, क्या चीज का बाबू, मिडिल लेयर का, तो 3 लेयर मिलेंगे। तो अब बताओ हम जब बोले थे कि डिस्टेंस ऑफ जो एंथर होता है, एंथर का जो ब्रस्टिंग होता है वो हमेशा एस्टोमियम से होता है, तो बात को समझ रहे हो, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि सारे जगह के जो लेयर हैं जो उसका थिकनेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एस्टोमियम, तो जो पोर्शन वीक होगा वो ब्रस्ट करेगा, इसीलिए यहीं से ब्रस्टिंग होता है। समझ में आया, बोलो, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिडिल लेयर, हम लोग थोड़ा सा मिडिल लेयर के बारे में जानते हैं कि मिडिल लेयर का फंक्शन क्या है, क्या चीज का बना होता है। तो देखिए जो मिडिल लेयर होता है बाबू, इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है ना सबको, चलिए मिडिल लेयर की जब बात करते हैं तो मिडिल लेयर जो होता है बाबू वो पेरेन काइमेटस, चलो पेरेन काइमेटस मतलब ये पेरेन काइमा का बना होता है, और आप लोग 9th में पढ़े होंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरेन काइमा, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो बताया गया होगा स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये जो मिडिल लेयर है वो क्या चीज का बना हुआ है, पेरेन काइमेटस यानी पेरेन काइमा का, और पेरेन काइमा का काम होता है फूड का स्टोरेज करना। जब ये फूड का स्टोरेज करेगा तो बात आती है कि फूड का स्टोरेज क्यों करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर,
इसके अंदर पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है, और पॉलन ग्रेन को बनने के लिए फूड का जरूरत होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो वो जो एनर्जी और जो फूड देने का काम करेगा वो कौन करता है बाबू, वो किसके पास होता है फूड, मिडिल लेयर के पास। तो ये क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड फॉर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। बात को समझे, इसका फंक्शन ये है, ये स्टोर करके रखेगा डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के लिए फूड। लेकिन यहां पर दिक्कत ये आती है, जब इसको फूड का जरूरत होता है, किसको बाबू, पॉलन सैक को यानी पॉलन ग्रेन को, तो मिडिल लेयर से बोलता है कि तुम हमको फूड दो। तो वो बोलता है, देखो यहाँ ये मत सोचना कि इन लोग आपस में चैट करेगा या फिर बात करेगा ना, सिर्फ हम बता रहे हैं एज अ कहानी के जैसा। तो यहाँ पे जब वो फूड मांगता है तो बोलता है कि देखो मेरे पास फूड है, लेकिन हम पार्सल वाला काम नहीं करते हैं, ये तुमको खुद करना पड़ेगा। तो इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, पॉलन सैक खुद से पॉलन फूड ले ही नहीं सकता है, और मिडिल लेयर बोल रहा है मेरे पास है तुम यहां से लेके जाओ, हम देने का काम नहीं करेंगे। तो अब यहां दिक्कत आता है, कैसे इसको फूड मिलेगा। तो पॉलन सैक के पास इसको जो फूड चाहिए था, इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होता है इसके चारों ओर, किसके चारों ओर, पॉलन सैक के चारों ओर। इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक लेयर प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहलाता है बाबू, टेप्टम। तो इसको यहां पे, चलो यहां पे लिखा है ना, टेप्टम। टेप्टम, चलिए ये टेप्टम कहलाता है। ये टेप्टम का क्या काम है, टेप्टम जो एक स्ट्रक्चर है बाबू, ये क्या करता है, मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी फूड प्रोवाइड करता है। तो अगर टेप्टम के बारे में अगर लिखना होगा तो टेप्टम क्या है, टेप्टम पॉलन सैक के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक लेयर होता है, और बोला जाए तो ये फोर्थ लेयर। पहला लेयर कौन हो गया, एपिडर्मिस, दूसरा लेयर इंडोथीसियम, तीसरा लेयर मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट एंड लास्ट लेयर इज नोन एज टेप्टम। ठीक है, पॉलन सैक वो स्ट्रक्चर है, वो लेयर नहीं है, याद रखना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। जिस टाइप से स्टेमेन का इंपॉर्टेंट पार्ट जो था बाबू कौन था, एंथर, उसी टाइप से एंथर का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन है, पॉलन सैक। तो इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन बनेंगे उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये कैसा लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर। कैसा लेयर है जी, न्यूट्रिटिव लेयर। बात को समझे, बोलो। चलिए अब देखो, स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर होता है, जो टेप्टम होता है, वो क्या होता है, देखो बाद में क्वेश्चन पूछता है कि टेप्टम कैसा होता है, तो पॉलीप्लॉइडी होता है, पॉलीप्लॉइड। ठीक है, यानी 2n से क्या होता है, ज्यादा होता है, 3n हो सकता है, 4n हो सकता है। तो टेप्टम कैसे होते हैं बाबू, पॉलीप्लॉइड। कोई आंसर दिया टेप्टम के बारे में, हाँ एक बार फिर से बताना है टेप्टम के बारे में। चलिए देखिए, टेप्टम जो होता है बाबू, इनर मोस्ट लेयर है, फोर्थ लेयर है, जो क्या करता है, मिडिल लेयर से फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और ये फूड को एब्जॉर्ब करके क्या खुद खा जाएगा, नहीं, किसको देगा, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। मतलब टेप्टम कनेक्शन है किसके किसके बीच का, मिडिल लेयर और पॉलन सैक के बीच का। टेप्टम का काम क्या है, जो काम मिडिल लेयर नहीं कर पा रहा था, जो पॉलन सैक नहीं कर पा रहा था, वो काम कौन करेगा, टेप्टम। कौन सा काम करेगा जी, कि इससे फूड को एब्जॉर्ब करेगा, किससे, मिडिल लेयर से, और किसको देगा, पॉलन सैक के अंदर जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसको फूड प्रोवाइड करेगा। समझे श्रेया, ओके चलिए, ये स्ट्रक्चर हम लोग सारा देख चुके हैं अभी तक, जो बताएं समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा,
यानी जब स्टार्टिंग हो रहा है फर्स्ट सर फर्स्ट में डिप्लॉयड होता है। हाँ बिल्कुल वही तो बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा बाबू 2n के फॉर्म में होगा, लेकिन बाद में ये क्या हो जाएगा पॉलीप्लॉयड हो जाएगा, यानी 2n रहेगा उसके बाद 2n से ज्यादा हो जाएगा पॉलीप्लॉयड। स्टार्टिंग में ट्रिप्टम डिप्लॉयड होते हैं और फाइनली जब मैच्योर हो जाते हैं धीरे धीरे जब ये टाइमिंग होने लगता है तो ये 2n चेंज इनटू पॉलीप्लॉयड यानी 3n 4n में चेंज हो जाएंगे। बात को समझे निखिल? चलो अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं ना, तो ये सब सारा चीज को बता चुके हैं, अब हम लोग आते हैं वापस पोलन सैक पे। पोलन सैक जो स्ट्रक्चर है, सैक का मतलब थैला लाइक स्ट्रक्चर, थैला लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या बनेंगे कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे जो देखो अभी तक हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ लिए लेकिन मेल गैमेट्स की बात नहीं की है, पोलन ग्लैंड की बात नहीं की है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो पोलन सैक के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का। तो पोलन सैक है तो पोलन सैक को हम लोग एक और वर्ड से यूज इसको एक और वर्ड बोला जाता है पोलन सैक को, कहां पे लिख दें इसको, चलो इसको रफ कर देना, किसी को कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, चलो हाँ इसको हटा दे। जो पोलन सैक है, पोलन सैक के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग, माइक्रो, वाई माइक्रो, बिकॉज माइक्रो किसके लिए यूज करते हैं, मेल गैमेट्स के लिए, और यहाँ मेल गैमेट्स बनेंगे तो मेल गैमेट्स को होल्ड करेगा, इसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे तो क्या बन रहे हैं माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर किसको बोल रहे हैं बाबू, पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन के लिए जब हम लोग माइक्रोस्पोर यूज कर रहे हैं तो माइक्रोस्पोर बन कहाँ रहा है, पोलन सैक में, कहाँ पे बन रहा है जी, पोलन सैक में। अभी पोलन सैक के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, माइक्रो SPORANGIA। आप लोग को याद होगा स्पोर का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है ना, ऐसे ही कौन सा स्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे पोलन सैक के लिए, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पोलन सैक इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया, गेटिंग अ पॉइंट। चलो अब देखो अब यहां पे बन के तैयार हो गया, मान लो कि पूरी तरह से क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, क्या बन के तैयार हो गया, माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन बन के तैयार हो गया। जिस समय बन रहा था देखो तो यहाँ पे तो नहीं, जिस समय ये पोलन ग्रेन बन रहा था उसी दौरान क्या हो रहा था, ये पोलन सैक जो है वो बड़े हो रहे थे, बड़े हो रहे थे और फाइनली क्या हो रहा था, पोलन ग्रेन बन के तैयार यानी मैच्योर हो गया है, उसी दौरान हमारा पोलन सैक दोनों आपस में मर्ज हो जाएगा। चलो दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं, अब इसके अंदर क्या है, पूरी तरह से बना हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर बाबू, पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर्स बना हुआ है, माइक्रोस्पोर्स का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया है यानी माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं, पोलन ग्रेन बन चुके हैं। अभी पोलन ग्रेन को यहां नहीं रहना है, दूसरे जगह जाना है, कहां पे जाना है, वही फीमेल गैमेट्स जो वेट कर रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसके लिए क्या होना होगा, जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा उसी दौरान जो हमारा इंडोथीसियम होता है वो क्या होता है, वाटर को रिलीज करता है, जब वाटर रिलीज होंगे तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है पूरी तरह से सूख जाएगा, और जब सूखेगा तो ये जो स्टोमियम है ये वाला एरिया क्या होता है बाबू, वीक होता है, और यहीं से क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो सारे माइक्रोस्पोर्स जो होंगे बाबू वो बाहर आ जाएंगे, बोलो सारे माइक्रोस्पोर्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना, जब डिस्टेंस ऑफ एंथर यानी ब्रस्ट एंथर को जब देखोगे ना तो इसमें आपको मेनली तीन ही लेयर मिलेंगे, कौन कौन, इपिडर्मिस मिलेगा, इंडोथीसियम मिलेगा, मिडिल लेयर मिलेगा, लेकिन जो फोर्थ लेयर टेप्टम है बाबू, ये टेप्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसका काम था वो काम हो चुका है, काम होते होते जो इसका जो स्ट्रक्चर था ना, जो इसका जो काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसके पास से जो न्यूट्रिशन था बाबू वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये डिसअपीयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी दिया हुआ होगा डीपीपी में कि जो मैच्योर एंथर होते हैं यानी डिस्टेंस एंथर होते हैं उसमें कौन सा लेयर नहीं दिखता है, अगर नंबरिंग पूछेगा तो फोर्थ नंबर का लेयर, अगर नाम पूछेगा तो टेप्टम लेयर,
वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है। बात को समझे, बोलो। चलो यहां तक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपका जो एनसीईआरटी है ना, ये वाला फिगर को भी दिखाया है और इसके पहले जो हम फिगर बनाए थे यानी डेवलपिंग एंथर का, वो भी बताया गया है। तो दोनों पोर्शन को देख लीजिएगा, दोनों चीज दिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक हमको लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसको हम लोग रफ करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बाबू, 10-15 मिनट क्लास और चलेंगे, ठीक है, देखते रहिए। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को बताया थे गैमेटोजेनेसिस वर्ड है ना, ये जेनेसिस, इसे हम लोग आपको बता चुके हैं कि जेनेसिस का मतलब क्या होता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवम, स्पर्मेटोजेनेसिस बता चुके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बाबू वो है माइक्रोस्पोरोसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो यहाँ पे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा जी, माइक्रोस्पोर का, मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर जो वर्ड यूज किए हैं बाबू, वो पॉलन ग्रेन के लिए वर्ड यूज किए हैं, बार बार बता रहे हैं, ध्यान रखना। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ज्यादा करेक्ट वर्ड है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन बात ये आती है, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, ये जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर किससे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर किससे होगा, बताओ किसी को पता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। हम लोग इसके लिए एक और सा वर्ड यूज करते हैं, देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे पीएमसी, पॉलन मदर सेल, और एमएमसी भी यूज करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन ज्यादा करेक्ट कौन है बाबू, पीएमसी, क्योंकि एमएमसी का मतलब दूसरा भी हो जाता है, क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों आ जाता है यहाँ पे। क्लियर, आप एमएमसी दे देगा तो आप यहाँ पे क्लियर, ये नहीं है कि हम लोग मेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं फीमेल गैमेट्स की, लेकिन जब पीएमसी देता है तो कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पॉलन मदर सेल की बात कर रहा है, यानी माइक्रोस्पोर की बात की जा रही है। लेकिन एमएमसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हो सकता है और मेगा स्पोर मदर सेल भी हो सकता है। तो ज्यादा करेक्ट क्या होगा बाबू, पॉलन मदर सेल पीएमसी। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल किस प्रोसेस के द्वारा, थ्रू मियोसिस। आप लोगों को बता चुके हैं 11th में कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना होता है, यानी डिप्लॉइड से जब हैप्लॉइड बनना होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है बाबू, मियोसिस, और जब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगा तो माइटोसिस, और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड चाहिए तो भी माइटोसिस। तो यहां पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन फॉर्म में आना है, गैमेट्स आर ऑलवेज इन हैप्लॉइड कंडीशन, ये बता चुके हैं विदाउट एक्सेप्शन। देखो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बट गैमेट्स आर ऑलवेज इन किस कंडीशन, हैप्लॉइड कंडीशन, यानी एन कंडीशन में होते हैं विदाउट एक्सेप्शन। चलो तो हम लोग अब आगे देखते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, दिस इज नोन एज, या फिर दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये तो बोर्ड के लिए काफी है, सीबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड, कि माइक्रोस्पोर का किससे फॉर्मेशन हो रहा है बाबू, पॉलन मदर सेल से। लेकिन एक बार क्वेश्चन ये आया था कि पॉलन मदर सेल्स किससे बनता है, मीन्स पॉलन मदर सेल का डेवलपमेंट जो होता है वो किससे होता है, तो ये कौन सा सेल होता है बाबू, स्पोरोजीनियस सेल, स्पोरोजीनियस सेल, याद रखिएगा ना।
कि स्पोरोजीनियस सेल जो होता है वो पॉलन मदर सेल को बनाएगा, और पॉलन मदर सेल से क्या बनेगा बाबू, माइक्रोस्पोर, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा। तो ये सब सारा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो माइक्रोस्पोर की बात करते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा हम बना रहे हैं ऐसे, तो स्पोरोजीनियस सेल, स्पोरोजीनियस सेल, इसमें जो डिवीजन होगा बाबू तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ये बना। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं बाबू, जब इसमें मियोसिस होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस, तो क्या चीज का फॉर्मेशन होगा बाबू, माइक्रो स्पोर का, माइक्रो स्पोर। देखो तो ये जो 2N कंडीशन था बाबू, चेंज इनटू N कंडीशन, किस कंडीशन में हो गया, N कंडीशन में हुआ। तो ये जो माइक्रोस्पोर है ना, यानी जो पोलन ग्रेन है, स्टार्टिंग स्टेज में क्या होते हैं, ये पूरी तरह से आपस में अटैच रहते हैं। आप लोग को ये भी बता चुके हैं, इसमें एक सेल से कितना सेल का फॉर्मेशन होता है, चार सेल का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में। देख लीजिएगा इनका मियोसिस, ये जो स्ट्रक्चर है मियोसिस में दो कौन कौन, पहला मियोसिस वन जो कि क्या होता है बाबू, रिडक्शनल डिवीजन होगा, यानी ये 2N है तो N और N। इसके बाद क्या होगा, देखो ये मार्कर भी चल रहे, ये 2N है बाबू, मियोसिस हो रहा है तो N और M, रिडक्शनल डिवीजन, ये क्या है मियोसिस वन। ये अगेन क्या करेगा, मियोसिस टू में जाएगा, तो ये भी N बनेंगे और ये भी N बनेंगे, ये भी N और ये भी N, यानी मियोसिस टू। This is equational division. एक word बहुत अच्छा आप लोग लिखवाए थे, meiosis 2 is a, meiosis 2 same as a mitosis. जो meiosis 2 का stage होता है, बिल्कुल mitosis के जैसा होता है। ये बता चुके थे, यहाँ इसमें equational division होता है। तो यहाँ एक cell कितना cell का formation कर रहे हैं, चार का। तो यहाँ भी क्या होता है, जो एक microspore जो होते हैं, वो चार microspore mother cell जो होते हैं, वो चार microspore का formation करते हैं। अब चारों microspore जो होते हैं बाबू, अलग अलग नहीं होते, एक ही में होते हैं, अटैच होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो सर आप तो बोल रहे हैं चार, लेकिन दिख रहा है तीन, ये 2D फिगर है, 3D फिगर देखोगे तो एक सेल पीछे है। अब ये चारों अटैच किए हैं, देखो ये एक सिंगल माइक्रोस्पोर है, ये सिंगल माइक्रोस्पोर है, ये सिंगल माइक्रोस्पोर है, और एक इसके पीछे साइड है। ये जो चारों है ये आपस में अटैच इसलिए होते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर होता है, वो लेयर को बोलते हैं कैलोज लेयर, CALLOC, कैलोज लेयर, ये कैलोज लेयर है। जब ये कैलोज लेयर है तब हटेगा जब इस पे कैलेज एंजाइम लगेगा, कौन सा एंजाइम, देखो ये नीट का क्वेश्चन है ना, CALLOC, कैलेज एंजाइम, एंजाइम, जब इस पे कैलेज एंजाइम लगेगा तो ये कैलोज लेयर को क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा, और डिजोल्व करने के बाद जो स्ट्रक्चर आपस में अटैच थे, कितना स्ट्रक्चर, चार स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राड, TETRAD, टेट्राड, ठीक है, टेट्राड स्ट्रक्चर था ये, कैलोज लेयर के चलते ये टेट्राड स्ट्रक्चर बना हुआ था, चार यहाँ पे माइक्रोस्पोर आपस में अटैच थे, ये कैलोज लेयर चारों को क्या किया था, एक जगह बांध के रखे हुए था। तो चारों को अलग अलग होने के लिए इस कैलोज लेयर को हटाना पड़ेगा, और ये जो कैलोज लेयर है वो कौन से एंजाइम से डिजोल्व होता है, कैलेज एंजाइम। अब बात आती है कि कैलेज एंजाइम आएगा कहां से सर, तो याद रखिएगा कि जो टेप्टम था वो टेप्टम का एक और काम होता है कि वो कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करता है और कैलोज लेयर को डिजोल्व करता है और सारे माइक्रोस्पोर्स को अलग करता है, यानी जो चार माइक्रोस्पोर्स आपस में अटैच थे उसको अलग अलग करने का काम करेगा। तो बात को समझ लो, टेप्टम का एक और काम आ गया, क्या काम आया वो नीट लेवल का है, बोर्ड लेवल का नहीं है, ठीक है, क्या आ गया टेप्टम का काम, टेप्टम का काम यह है कि वो एक कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करेगा और एक कैलेज एंजाइम कैलोज लेयर को डिजोल्व करता है और जो चार माइक्रोस्पोर्स आपस में अटैच्ड हैं उसको क्या करेगा, फ्री करेगा, क्लियर। तो ये हमारा, फिर इससे क्या निकलेंगे, चार स्ट्रक्चर निकाल जाएंगे, 3-4। तो याद रखिएगा जो सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो बन के तैयार होते हैं, उनको क्या किया जाता है बाबू, इनको हटाया जाता है, ये हटते हैं शुरू कंडीशन में, कैसा कंडीशन में होंगे, टेट्राड में, स्टार्टिंग स्टेज में कैसे कंडीशन में होंगे, टेट्राड, TETRAD, टेट्राड। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, टेट्राड।
अब इसके बाद जो यहाँ से अलग अलग होंगे, मतलब ये अलग हुआ फिर सिंगल बना, ये अलग हुआ दूसरा, ये अलग तीसरा, और एक और पीछे साइड से अलग होंगे चौथा। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ना, तो हम लोग इसका नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं पॉलन ग्रेन के बारे में, कि पॉलन ग्रेन कैसा होता है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से लेयर होते हैं, ये सारे चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलो अभी तक इतना ही। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो, और हम लोग क्लास को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। तो कोई भी डाउट है तो पूछिए जल्दी से, वेट कर रहे हैं। जल्दी से अभी क्लास को ऑफ किया जाए। सर दो कहाँ, सर दो कहाँ मिलेगा सर, मतलब नो डाउट सर, क्या है नैना गुप्ता, क्या है आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। डीपीपी, डीपीपी आपको मिलेगा सर, देंगे दीपक सर दे देंगे, ठीक है डीपीपी, ओके डीपीपी मिल जाएगा आपको ना, ठीक है सर से बात कर लेंगे। डीपीपी, डीपीपी बन के तैयार है ना, आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, मिले या ना मिले हम यहाँ पे, मेरे पास आएगा तो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, 10-15 क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस कर देंगे। चलिए ठीक है, क्लास को ऑफ करते हैं, ओके।